हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। फ्रेंड, ये टाटा BS4 सिग्ना गाड़ी है 4018। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आगे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा पानी फेंका हुआ है, यानी कूलेंट बाहर फेंक दिया है। और ये नीचे भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कूलेंट हमारा बाहर आ गया है, यानी गाड़ी ज़्यादा हीटिंग हुई है। उसके कारण हमारा रेडिएटर जो टैंक है, जिसको वाटर टैंक बोलते हैं, उसे पानी बाहर फेंक दिया है। तो हम चलते हैं गाड़ी को, देखते हैं कि कितना गाड़ी गर्म हुआ है और आपको भी दिखाते हैं। तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हुआ है, ये इसके कारण ये पानी बाहर फेंक दिया है। और इसमें देखेंगे हम और आप लोगों को भी समझाएंगे कि अगर गाड़ी का भी हीटिंग होता है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए। और ये देख सकते हैं गाड़ी अभी हमने चालू ही रखा है। गाड़ी अगर जैसे अगर कभी ऐसा होता है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो गया और बाहर पानी फेंक दिया, तो आपको गाड़ी अचानक से बंद नहीं करना है, ठीक है, अचानक से बंद नहीं करना है, उसको चालू ही रखना है। उससे क्या होगा आपका कि अगर अचानक से बंद कर देते तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी अगर जैसे कि वाटर टैंक से बाहर पानी फेंक देता है तो उसको गाड़ी को चालू ही रखना है, जिससे हमारा नुकसान ना हो। तो हम इसमें करेंगे क्या कि गाड़ी को थोड़ी देर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम हमारा जो थर्मस स्टेट वाल्व जो है, जिसको हम लोग थर्मस वाल्व बोलते हैं, उसको हम लोग खोलकर बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर से गाड़ी को चालू करके चेक करेंगे। ये देखिए हमारा गाड़ी अभी भी चालू ही है, हमने चालू रखा है इसलिए कि गाड़ी ओवर हीटिंग हो गई है, ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि वाटर टैंक से पानी बाहर फेंक दिया है। तो हम इसके लिए गाड़ी को थोड़ी देर चालू रखें और उसके बाद बंद करेंगे। बंद करने के बाद गाड़ी को ठंडा करके थर्मस वाल्व को निकाल लेंगे बाहर। थर्मस वाल्व को बाहर निकाल कर फिर चेक करेंगे कि हो सकता है कि थर्मस वाल्व हमारा जैसे कि जाम हो जाता है, उसके कारण भी हमारी गाड़ियाँ गर्म होती है, जो पानी का सर्कुलेशन टाइम पे नहीं खुलता है उसका, इसके कारण भी जाम होती है। तो कभी भी गाड़ी अगर जैसे कि गर्म होती है आपकी, तो देखिए पहली चीज़ कि आपको जो ये मेन लाइन जो पतली लाइनें आती है उसको खोल लेना है और खोलकर उसको चेक कर लेना है, ठीक है। एक तो हेड से हमारा टैंक में जाएगा और दूसरा हमारा टैंक से रेडिएटर में जाएगा, तो उसको खोल के चेक कर लेना है कि कहीं वो तो जाम नहीं है। उसके बाद भी अगर गर्म हो रही है तो हमारा थर्मस वाल्व जो है उसको निकाल लेना है, निकाल कर बाहर करके गाड़ी को चेक कर लेना है कि गाड़ी हमारी गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखिए अभी भी ठंडा होने में तकलीफ़ हो रही है, इसको अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो हम लोग तब तक करेंगे क्या, जब ठंडा हो जाएगी तो थर्मस वाल्व निकाल कर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। थर्मस वाल्व निकाल कर फिर से गाड़ी को चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी अभी भी हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये जो मैंने पतली लाइनों के बारे में बताई, ये देखिए ये है लाइन जो हमारी हेड से वाटर टैंक में जाती है। तो इसमें क्या होता है, पतली लाइन जाम होने के कारण भी होता है। जब भी आप लोग पतली लाइन खोलेंगे तो हमारा हेड से पानी बाहर आना चाहिए, जहाँ पे ये लाइन लगी होती है, ठीक है। जैसे ये पाइप खोलेंगे, आप लोग पतली लाइन को खोलेंगे ये हमारी, तो इसमें क्या है, इसमें ये लाइन को मुँह में लेकर फूंक जब मारेंगे तो हेड से पानी आना चाहिए, जहाँ पे ये लाइन लगती है पतली लाइन। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो उसको साफ़ कर लेना है आपको। तो चलिए ये देख सकते हैं कि थर्मस वाल्व हम लोग खोल के बाहर निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद बिना थर्मस वाल्व को ये जो हमारी पानी की लाइन है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके गाड़ी को चालू करके चेक करेंगे। तो कभी भी ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके पास होता है, गाड़ियों में तकलीफ़ होती है, तो पतली लाइनें पहले साफ़ करनी है, उसके बाद जो है हमारी थर्मस वाल्व जो है उसको भी निकाल लेनी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा थर्मस वाल्व निकाला हुआ है, थर्मस वाल्व है नहीं और पतली लाइनें भी सही है हमारी, फिर भी गर्म हो रही है, तो रेडिएटर आपको सर्विस कराना चाहिए। अगर रेडिएटर चौक ऑफ है, पूरा फुल चौक ऑफ है, तो उसको डालने से कोई मतलब नहीं है। आपको करनी क्या चाहिए, आपको कि रेडिएटर दूसरी डाल लेनी चाहिए। ये देखिए थर्मस वाल्व है इसका, हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकाल कर हम करेंगे क्या, बिना थर्मस वाल्व को हमारी जो पाइप है उसको फिट करेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद वाटर हमारे रेडिएटर में पानी भरेंगे, और पानी भर के हम लोग गाड़ी को चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी कितने मिनट में गाड़ी गर्म हो रही है। तो ये देखिए हमने कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को चालू कर लिया है, और चालू करने के बाद हम इसमें रेस देकर रखते हैं और देखते हैं, आपको टाइम भी दिखाता हूँ मोबाइल में, ये कितने टाइम में कितना गर्म होता है हमारा। अगर काफ़ी टाइम लगता है गर्म होने में तो सही है। ये देखिए 4:40 हो रही है, 4:40, अब इसके बाद देखेंगे हम
कि हमारी कितने मिनट में हमारी ज़्यादा हीटिंग हो रही है। अगर ज़्यादा हीटिंग होगा तो फिर इसको हम कुछ और करेंगे। तो रही बात आप लोगों को जो समझाने की कि आपका पाइपलाइन सही है, थर्मस वाल भी नहीं है और आपका गाड़ी फिर भी हीटिंग हो रहा है, रेडिवाटर भी आपने सर्विस करा लिया, अगर रेडिवाटर चौकअप है तो आपको रेडिवाटर दूसरी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी बार बार हीटिंग हो रही है, बार बार गर्म हो रही है तो आपको नुकसान हो सकता है। अभी 4:50 हो रहा है, देखिए 10, ये देखिए 13 मिनट हो गया अभी, और 13 मिनट में देख लेते हैं कितना गर्म हो रहा है। ये देखिए अभी भी गाड़ी गर्म हमारी हो रही है, यानी गाड़ी हमारी ओके नहीं हुई है। अगर इस तरह से खड़ी गाड़ी में ये गर्म होगी तो हमारी जब रनिंग होगी गाड़ी उसके बाद कितना गर्म होगी, उसके बाद जब लोडिंग होगा हमारा गाड़ी, जब लोड में चलेगा तो कितना गर्म होगा। ये देखिए 4:54 हो गया और गाड़ी हमारा 85 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 19 के बीच में जा रहा है ये, तो यानी हमारी अभी भी गाड़ी ओके नहीं हुई है। तो हम इसको लेकर चलते हैं वर्कशॉप पे, और वर्कशॉप पे इसको रेडिवाटर खोल लेते हैं। देखिए हमारा रेडिवाटर खोलने का प्रोसीजर चालू है, हमने पूरा रेटर बाहर निकाल लिया है इंटरकूलर के साथ में, और इसको खोल के हम भेजेंगे सर्विस के लिए। सर्विस में देखते हैं उनसे, हम रेडिवाटर वाला जो हमारे रेडिवाटर जो सर्विस करते हैं उनसे पूछ लेंगे और जान लेंगे कि रेडिवाटर अगर सही है तो सर्विस अच्छे से करनी है, नहीं सही है तो न्यू डाल लेनी है। अगर ज़्यादा चौकअप होगा तो हम लोग नया भी डालेंगे इसमें। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों को अगर सब चीज़ आपने करा लिया है तो भाई एक बार आप लोगों को बोलता हूँ फ्रेंड कि जो हमारा फ्री फैन बिस्कस है उसको भी चेक कर लेना है आपको, क्योंकि उससे भी गाड़ियाँ हमारी गर्म होती है। और गर्म होने की दो कंडीशन है, देखिए अगर फ्री फैन बिस्कस ख़राब है तो 2 से 4 किलोमीटर में हमारा गाड़ी ओवर हीटिंग हो जाएगा, जैसे 2 से 4 किलोमीटर में ओवर हीटिंग हो जाएगा वो, तो उसमें हमारा कंडीशन क्या आता है, पाइपलाइन सही है, रेडिवाटर सही है और 2 से 4 किलोमीटर में गर्म हो रही है तो हमारा फ्री फैन बिस्कस भी नुकसान करता है। खड़े गाड़ी में अगर गर्म हो रही है, जैसे कि खड़े गाड़ी में पानी, ठंडे गाड़ी है हमारी और पानी फेंक रहा है, तो उसमें हमारा क्या होता है, गैस्किट का होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे रेडिवाटर जो सर्विस करते हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई रेटर चौकअप है, तो हमने न्यू रेटर डाल दिया है, और न्यू रेडिवाटर डालने के बाद ये देख सकते हैं न्यू रेडिवाटर के जो जाली बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो रेडिवाटर की जाली हमारी दूसरी डल कर आ चुकी है, अब हमारा फिटिंग चालू है। अब इसको फिटिंग करके और कंप्लीट करके हम लोग फिर से गाड़ी को चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी जो है गर्म कितनी हो रही है। अगर उसी तरह से हो रही है तो कुछ और देखेंगे। तो अगर ठंडी गाड़ी में आपका वाटर टैंक से पानी बाहर अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा गैस्केट कट जाता है, इसके कारण हमारा ठंडी गाड़ी से पानी बाहर फेंकता है, यानी वाटर टैंक से पानी फेंकता है। और जो मैंने दूसरी चीज़ बताई आप लोगों को कि फ्री फैन बिस्कस के बारे में, तो उससे हमारा 3 से 4 किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा, पानी बाहर फेंकने लगेगा। अगर पाइपलाइन, रेडिवाटर ये सब सही है तो, और ये फ्री फैन बिस्कस का दिखा दूँ आप लोग को कि ये फ्री फैन बिस्कस भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस गाड़ी में जो है कोई फोल्ड कोड नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारा इनएक्टिव में टम्परेचर सेंसर का आ रहा है, ठीक है, इनएक्टिव में टम्परेचर सेंसर का आ रहा है जो कि ज़्यादा ही हमारा गर्म हो रहा है, इसके लिए कूलन टम्परेचर सेंसर का इनएक्टिव में आ रहा है। तो चलिए इसको कम्प्लीट करते हैं फटाफट से और उसके बाद गाड़ी को चालू कर। देखिए हमारा ये रेडिवाटर कंप्लीट है और ये हमारा एसी का जो आगे देता है इंटरकूलर के सामने, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं वाटर टैंक का जो टैंक है उसको फिटिंग कर लेते हैं, और फिटिंग करने के बाद पानी को कंप्लीट करेंगे फुल, और फुल करके उसके बाद गाड़ी को चालू करेंगे। तो यही है फ्रेंड, अगर गाड़ियाँ गर्म होती है तो हमको चेक करने के लिए क्या क्या चेक करना चाहिए। पहले हमारे को पाइप लाइनें जो है पतली वाली, हेड से हमारी टैंक में आती है, टैंक से हमारी रेडिएटर में जाती है, इसको चेक करना है, ये लाइन जाम तो नहीं है। हेड में जहाँ पे हमारी पतली लाइन लगती है उसको चेक कर लेना है, जो रेडिएटर में पतली लाइन लगती है उसको चेक करना है, टैंक में जो पतली लाइनें हमारी आती है उसको भी चेक कर लेना है, तार से या कोई चीज़ से उसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि वो भी जाम रहता है तो भी दिक्कत होता है। ये हो गया कम्प्लीट हमारा वाटर टैंक, अब इसमें पानी फुल कर लेते हैं। पानी फुल करने के बाद हम गाड़ी को करेंगे चालू, और चालू करके देखेंगे कि हमारे कितने मिनट में गाड़ी कितना गर्म हो रही है। तो यही प्रोसीजर है जो आपको कर लेनी चाहिए, चाहे हमारी गाड़ी चालक जो है उनको भी 1-2 इंच होनी चाहिए या पेचकस होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, वो आपकी गाड़ियों में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अभी गाड़ी अगर गर्म होती है
तो ये पतली लाइन, जो पतली लाइन है हमारी, ये जो हमारे वाटर टैंक में लगी हुई है, इसको खोलकर आप लोग साफ़ कर सकें। और गर्म गाड़ी में तो कभी भी नहीं खोलना है, ठंडी हो तो ही खोलना है, क्योंकि इससे आप लोग की नुकसान भी हो सकता है, जैसे शरीर पर पड़ेगा तो नुकसान तो आप ही लोगों का होगा। तो चलिए गाड़ी को चालू करते हैं, और गाड़ी को चालू करके हम रेस दे के रखेंगे और देखेंगे कितने मिनट में कितनी गाड़ी हमारी हीटिंग हो रही है। अभी भी हमने थर्मस वाल डाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड, अभी भी हमने थर्मस वाल को डाला नहीं है, और इसी तरह गाड़ी को चेक करेंगे। चेक करके उसके बाद जब गाड़ी हमारी एक दो चक्कर लगाएगी, रनिंग होगी, उसके बाद ही हम लोग इसमें थर्मस वाल डालेंगे इसमें। तो चलिए टाइमिंग देख लेते हैं, अभी कितना टाइम हो रहा है, 4:25, 4:25 हो रहा है। तो अभी टाइमिंग, चलिए अब इसको 4:25 हो रहा है, तो हम इसको गाड़ी को रखते हैं चालू, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी गर्म हो रही है, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि हमारा गाड़ी ओके हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए अभी भी नॉर्मल गर्म हुआ है, ये गाड़ी जो है अभी नॉर्मल गर्म हुआ है। टाइम देख लेते हैं, ये देखिए 4:46 हो गया, तो यानी हमारी गाड़ी लग रहा तकरीबन हमारा सही हो चुका है, 4:46 हो रहा है, यानी गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। और ये देखिए नॉर्मल ही कांटा इसका उठा हुआ है हमारा टेम्परेचर का, तो यानी रेडिएटर में कम तकलीफ था, फोल्ड था, प्रॉब्लम था, इसके कारण हमारा ये गाड़ी गर्म हो रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रेडिएटर से हमारा कितना फ़र्क पड़ सकता है हमारी गाड़ियों के लिए। और हम लोग कैसे, ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे जो हमारी गाड़ी ऑनर है वो लोग करते क्या हैं कि रेडिएटर काफ़ी ज़्यादा चौक है और उसको बोलते हैं सर्विस करके लगा दो, तो उसमें आप लोगों का ही नुकसान है। अगर ज़्यादा चौकअप है तो उसको आपको चेंज कर लेनी चाहिए, उसका जाली आपको चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होगा, आप नुकसान से बच सकते हैं। 4:47 हो गया, तो अभी हमारा गाड़ी यानी सही हो चुका है, यानी ओके हो चुका है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट